वंदे भारत माता की जय वंदे भारत इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद अरे बूढ़े बूढ़े यार रश्मि रश्मि पीछे आ जा रश्मि पीछे आ जा रश्मि जिंदाबाद वंदे कचरा 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 पाछड़ा दियो पाछड़ा दियो पाछड़ा सामने भी सामने भी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत Thank you.
और कलम के सफल संचालक कलमवीरों को आज का हीरा माणिक द्वारा आयोजित विशाल यादव की वो प्रदर्शनी जो अन्ना जी खुद इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए, हम कहते हैं मीडिया अन्ना जी के साथ में, लेकिन अन्ना जी खुद भी मीडिया के साथ में, शायद विशाल यादव की इतनी बड़ी एग्जीबिशन और एक ट्रॉफी वैन चलाने वाला आदमी जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं मीडिया के लिए अन्ना जी की कितनी रिसर्च और मेहनत मैं हीरा माणिक की ओर से अन्ना जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं गजा जी पगारे से विनती करूंगा अन्ना जी को सिंपल से सम्मानित करें। और भाई गिरीश भाई साहब से विनती है अन्ना जी को मुख्य से सम्मानित करें। मैडम पीछे जाओ थोड़ा। सब पहुंच रहे ये लोग। फोटोग्राफर पीछे आ जाओ। और मैं आज अन्ना जी किस इस प्रोग्राम के लिए खास आए, जैसे कहा जाता है जब धरती के ऊपर जब पाप फटा था तो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई है ऐसे हमारे कृष्ण भगवान आनंद जी को भगवान कृष्ण की मूर्ति हीरा माणिक से होकर देखे उनको सम्मानित करेंगे। भाई ये पर्दा वर्दा खोल दो खिड़की का। दीपका स्टील आ रहे नीचे बैठे जा रहे। थोड़ा पीछे वालों का ध्यान रखिए। और अब मैं अन्ना जी से विनती करूंगा कृपया आज के शुभ अवसर पर कुछ प्रतिभा करें अन्ना जी। विशाल एक गांव का रहने वाला लड़का पर ड्राइविंग करता है। ड्राइविंग करते करते उन्होंने जो फोटोग्राफी सीखी और आज उन्होंने जो फोटोग्राफी का उसका उद्घाटन हुआ ऐसे नहीं जाए। आज आने के लिए समय नहीं था, लेकिन विशाल यादव का ये जो प्रदर्शन लगाया है फोटोग्राफी का, उसके पीछे उसके जो भावना है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैं सवेरे 5:30 बजे निकल कर यहाँ आया। उसके पीछे की जो भावना है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कई लोग देखने से ये कहेंगे कि यहाँ तो जंतर मंतर रामलीला का कोई फोटो नहीं है, ऐसे भी कई संदेह निर्माण होते हैं लोगों के दिल में। जंतर मंतर रामलीला के तो आज भी टीवी पर विकास, जब तक विकास को हम गति नहीं देंगे तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा।